डांस करवा लेना है एंड देन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई ब्यूटी विद आकृति। आज की वीडियो में मैं आपके साथ आईलैशेस शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने मीशो से परचेज किया है। एंड ये है वो आईलैशेस। आप में से बहुत सी गर्ल्स ऐसी होंगी जिनको आईलैशेस लगाना काफी ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आपके साथ शेयर किया जाए। सो ये है वो आईलैशेस जो कि मैंने मीशो से परचेज किया है। आप देख सकते हो मेरे पास टोटल 5 आईलैशेस हैं और मैं आपको 1 by 1 दिखा देती हूँ। सो ये है फर्स्ट आईलैश, ये हमारा सेकेंड आईलैशेस, ये है हमारा थर्ड आईलैश, ये है हमारा फोर्थ आईलैश, ये है हमारा लास्ट फिफ्थ आईलैश। इन सारे का क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है एंड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट में आपको ये मिल जाता है। मैंने ये 120 रुपीज में 5 आईलैशेस प्लस आईलैश ग्लू मुझे ये सारे चीजें मिल गई। सो ये ग्लू कुछ इस तरीके का है। इसके बैक साइड में आपको इसका सारा इंग्रेडिएंट मिल जाएगा और किस तरीके से इसको अप्लाई करना है वो भी इसमें लिखा हुआ है। आईलैश के ऊपर इसको लगा के आपको 30 सेकंड तक वेट करना है। जब आपको लगे कि आपका ग्लू स्टिकी हो गया है देन आपको उसको स्टिक करना है, आपको डायरेक्टली स्टिक नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप फॉल्सीज कैसे अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ये वाली फॉल्सीज अप्लाई करने जा रही हूँ। सो इस तरीके से आपको इसको ओपन करना है और ये कार्डबोर्ड मटेरियल का है और यहाँ पे आपको आईलैश मिल जाता है। इस तरीके का है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल पैकेजिंग है इसकी गाइज, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। एंड इसके बैक साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। फीचर्स, डायरेक्शंस, ग्रूमिंग टिप्स, सब कुछ इसमें आपको मेंशन किया गया है। कभी भी अगर फॉल्सीज आपको अप्लाई करना है तो आपको हमेशा इसके साइड से रिमूव करना है, कभी भी आपको इसके बीच से रिमूव नहीं करना है वरना आपका फॉल्सीज खराब हो सकता है। सो आपको इसके बैंड को पकड़ना है, ना कि ये फॉल्सीज को नहीं पकड़ना है, आपको इसके बैंड को पकड़ के जस्ट इस तरीके से खींच लेना है। एंड ये रहा हमारा फॉल्सीज। और अब आपको इसको मेजर कर लेना है कि ये आपके आई के आई से बड़ा तो नहीं है, बिकॉज जनरली फॉल्सीज जो होते हैं वो हमारे आई से बड़े बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा है मेरी लैशेस से। अगर आपको लगे कि आपका फॉल्सीज आपकी आई से थोड़ा सा बिग साइज का है तो आप इसको जस्ट कट कर सकते हो, लेकिन कट करना है ध्यान से। आप इसके बीच का जो गैप देख रहे हो, हाँ इसके बीच का जो गैप देख रहे हो, आपको यहाँ से जस्ट इतना कट कर लेना है या आप जितना भी कट करना चाहते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल बीच से वहाँ पे कोई भी फॉल्सीज, इसका कोई भी हेयर नहीं होना चाहिए, तो आपको इसको बीच से कट कर लेना है। अगर आप कभी भी बीच से कट कर लोगे तो आपका फॉल्सीज खराब हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फॉल्सीज एंड इसको जस्ट आपको इसके ऊपर में ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कम कम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आपको अप्लाई करना है। मेक श्योर कि आप इसके जहाँ से ये शुरू हो रहा है और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपको ज़्यादा लगाना, क्योंकि फॉल्सीज हमेशा पहले वहीं से उखड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरीके से है, वाइट कलर का ये ग्लू है। तो गाइज आई थिंक ये ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो आपको पहले इस तरीके से मोड़ लेना है ताकि ये बिल्कुल आपकी आई के शेप का हो जाए। इसको डांस करवा लेना है एंड देन आपको इस तरीके से मिल जाएगा एंड देन आपको डायरेक्टली अप्लाई। सो गाइज फॉल्सीज अप्लाई करना इज नॉट अ बिग डील, लड़कियां कुछ भी कर सकती है। एंड अगर आपको इसके बैंड को छुपाना है तो आप इसके ऊपर सिंपली आईलाइनर अप्लाई कर लो, बिल्कुल भी बैंड विजिबल नहीं होगा एंड ये बिल्कुल नेचुरल लुक देगा। और अगर आपको बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए तो इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लो, देन ये बिल्कुल आपके रियल आईलैशेस की तरह ही लगेगा। सो आपको अगर इसको रिमूव करना है तो आपको ये बिल्कुल इसके बैंड को बैक साइड से पकड़ना है, देन इसको आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो और आपको पसंद आया हो तो सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। इट मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू।